Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm... सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज एक्सट्रीम 125R में फुल मॉडिफाइड, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे पहली बार ऐसी ये मॉडिफाइड का वीडियो जो डल रहा है, जो हमने फुल मॉडिफाइड किया है। अब टॉप रैक और सैडल स्टे का रह गया, वो हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डाल दूंगा कि हाँ कैसे फिटिंग है, लेकिन ये जो मॉडिफाइड किया है कुछ डिफरेंट सा बहुत ही अच्छा, और समझो सब काम की चीज़ है। कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा हमने नहीं लगाया जो आपको लगे कि हाँ ज़्यादा ओवर हमने मॉडिफाइड किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी फुल वीडियो देखें और आपको मॉडिफाइड कराने में जो भी है ना, बिल्कुल आपको समझो मज़ा आएगा और लुक भी बहुत प्यारा हो गया। ये देख सकते हो हमारा एक्सट्रीम। पहले तो मैं लेमिनेशन आपको बताऊँगा, लेमिनेशन कैसे किया हमने। लेमिनेशन 3 लेयर किया है और 1 साल की गारंटी आ जाती है, जिसमें आपको जैसे पीला पड़ जाता हो, चाहे कहीं से हटता हो, तो वो हम आपको नया चेंज करके देते हैं। और पहले फाइनली हम लेयर हटा के दिखा देंगे कैसी शाइनिंग है। सो गाइस ये देख सकते हो हमने लेयर हटाया, जो फाइनल हमारा एकदम बिल्कुल चमचमाता, जो कंपनी का जो आता है उससे भी ज़्यादा इसमें चमक आ जाता है। ये देख सकते हो, मैं सारे लेयर हटा के दिखा दूँ आपको फिर से। ये देख सकते हो आपका जो बाइक है बिल्कुल सेफ रहता है भाई। जो 1 साल के बाद अगर हटाते भी हो ना, तो आपका फुल लेमिनेशन जो है बचा के रखता है। ये फायदेमंद है, आप लेमिनेशन जरूर कराएं। बाइक ले नहीं तो जरूर लेमिनेशन कराएं कि आपको इससे फायदा हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमने मॉडिफाइड किया वो मैं बता दूं कि क्या क्या मॉडिफाइड किया। पहले तो हम वाइजर जो हमने लगाया है, प्लग एंड प्ले सिस्टम, जो जिसमें क्या होता है, पहले नंबर प्लेट हम नीचे लगाते थे, अब ये है कि इसी में आपको प्लग एंड प्ले सिस्टम हो जाता है। बाय द वे अगर मंगाते हो तो मंगा सकते हो, कुछ भी नहीं, आपको नट से लेके स्क्रू से लेके सब कुछ आपको इसमें इनबिल्ट मिलने वाला है, जो आप घर बैठे भी लगा सकते हो। लुक देख सकते हो बहुत बेहतरीन हो गया, इससे आपका मीटर भी बचाता है, दूसरी बात है कि लुक तो हो ही गया। नंबर प्लेट हमारा जो प्लग एंड प्ले सिस्टम लग गया। और नेक्स्ट जो हमने लगाया है इसमें आपका फॉग प्रोटेक्टर, जो इससे हमारा मडगार्ड भी बचाएगा और हमारा सॉकर वगैरह जो स्क्रैचेज वगैरह लगता था, रिफ्लेक्टर वगैरह जो टूटने का डर था, वो ख़त्म हो गया है। और ये फॉग स्लाइडर हमने लगाया रेड कलर, जो आपको डिस और आपका जो क्या बोलते हैं डिस्क और मडगार्ड बचाने के लिए दोनों चीज़ें आपका ये काम में आ जाता है। ये आपका जो है ना फॉग स्लाइडर और फॉग प्रोटेक्टर भी बहुत ही ज़रूरी है। और ये कीचड़ वगैरह मैं दिखा दूँ कि कीचड़ कैसे आया हुआ है, पूरा हमारा इंजन भरा हुआ है, देख सकते हो। इसके लिए हमने लगाया है मडगार्ड फेंडर, प्लग एंड प्ले ही सिस्टम है। लेकिन ये देख सकते हो अब हमारा नीचे हो गया, जो हमारा कीचड़ वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह पे आता था वो अब नहीं आएगा, मडगार्ड फेंडर से हमारा ये बेनिफिट हो जाता है। और मैं आपको दिखा दूँ क्रैश गार्ड, जो प्लग एंड प्ले सिस्टम हो जाता है। बहुत सारे बंदे कहते हैं प्लग एंड प्ले नहीं है, लेकिन मैं दिखा दूँ कि प्लग एंड प्ले कैसा होता है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कहीं वेल्डिंग नहीं, कोई पत्ती नहीं, कुछ भी नहीं, जो प्लग एंड प्ले बिल्कुल सिस्टम है। फिटमेंट देख सकते हो आप। तो गाइस ये फिटिंग हमारा यहाँ पे आ गया, ये देख सकते हो, दूसरा हमारा यहाँ पे आ गया और तीसरा ये इसका रॉड आ गया, ये जो अटैचमेंट के साथ है, ये देख सकते हो। और इसमें हमारा जो क्रैश गार्ड है, इसमें ये बेनिफिट है भाई, जो आप बैठते भी हो ना, जो टायर वगैरह में जो हमारा जैसे पैर में हमारा टच होता था ना, वो नहीं होगा, ऐसा ही बिल्कुल सेफ, जैसे हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हमने इसी के मुताबिक ही बनाया है ये क्रैश गार्ड, ये देख सकते हो। और लुक भी बहुत बेहतरीन हो जाता है, ये देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग, और क्रैश गार्ड काफ़ी आपका हैवी भी हो जाता है ये। नेक्स्ट जो आइटम जो हमने लगाया है लीवर गार्ड, जो देख सकते हो रेड कलर की बाइक है तो रेड कलर का हमने लीवर गार्ड लगाया है, इससे हमारा लीवर भी बचाएगा और दूसरी बात हमारा हैंड हाथ भी बचाता है इससे। अगर फुल कवर वाले चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप लगवा सकते हो। वैसे लीवर गार्ड भी अच्छा है, लीवर गार्ड लगाओ चाहे फुल कवर वाले लगाओ, आप तो आपके ऊपर है, जैसे दिल कर वैसे लगा सकते हो। और नेक्स्ट हमारा आ गया जो आप देख सकते हो मोबाइल होल्डर, जो फुल रोटेड है और CNC में आ जाता है, इससे मोबाइल आप इसमें आप रख के और लोकेशन वगैरह देख के आप जा सकते हो। ये मोबाइल होल्डर से हमारा ये फ़ायदा है। और टैंक पैड भी जो लगाया है, जो कार्बन फिनिश और रेड कलर से मैच करता हुआ देख सकते हो। जो हमने लगाया है टैंक पैड, जो इम्पोर्टेड में और रेड एंड कार्बन में आ जाता है, ये देख सकते हो, इससे हमारा ये बेनिफिट होता है। जैसे बाई द वे हम बेल्ट वगैरह लगा के जैसे हम बैठते हैं, तो स्क्रैचेज वगैरह जो लग जाता था वो हमारा स्क्रैचेज वगैरह इससे नहीं लगेगा, टैंक पैड से हमारा ये बेनिफिट हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमने लगाया है, जैसे पहले कीचड़ जानते हो कि कीचड़ कितना इसके ऊपर आता है, देख सकते हो आप हमारा पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, ये देख सकते हो। इसके लिए हमने फुल कवर वाले कीचड़ गार्ड लगा दिया है, जो बाय द वे आपको पसंद ना आए तो हटा भी सकते हो और जब दिल करे आप अपना लगा भी सकते हो, इससे आपको बेनिफिट ये आ जाता है ये कीचड़ गार्ड से। और नेक्स्ट आइटम हमारा आ गया लेडीज़ फुटरेस्ट, ये बिग वाले लेडीज़ फुटरेस्ट ये आ गया, प्लग एंड प्ले सिस्टम है ये,
अगर स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में भी यहाँ पे मिल जाता है, लेफ्ट राइट दोनों सेट हमारे पास मिल जाता है। और ये जो आपका लेडीज फुटरेस्ट है ये देख सकते हो, बड़े वाले बिग साइज, स्मॉल वाले तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पे मिल जाएगा हमारा। सो गाइस ये था हमारा एक्सट्रीम 125R का मॉडिफाइड जो हमने किया है, जो फुल मॉडिफाइड बोल सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें रह गया, जैसे टॉप रैक और सैडल स्टे रह गया। और जो भैया हमारे हैं ना वीडियो देख के आए थे, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आप उन्हीं से बात करा देता हूँ, कि इससे आप पता चल जाए कि हाँ हमारा जैसे काम करने का तरीका कैसा है, चाहे कुछ भी है, कोई दबाव में नहीं, जो भी है बिल्कुल एकदम भैया का जो है वो बताएंगे। आ जाइए भैया। ये हमारे भैया, जो आप कहाँ से हैं भैया? मैं बुराड़ी से, संत नगर बुराड़ी। ये आए हैं बुराड़ी से। और भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय रावत है। वैसे तो आपने बहुत सारे बंदे का वीडियो देखे हो, हाँ जी, लेकिन क्या सोच के फिर आप आए हो कि मेरे पास चलते हैं रफ एंड टफ पे ही? नहीं एक्चुअली क्या है, मैंने यूट्यूब में बाइक लेने से पहले ही थोड़ा देख रहा था मॉडिफाई कहाँ कराऊंगा। हाँ नहीं एक्सपीरियंस भुब्बा ने बहुत बढ़िया है। बाकी ये सोनू भैया जो है मेन, उनका खुद उन्होंने मैंने मोस्ट ऑफ काम खुद अपने हाथ से किया है और तसल्ली से एकदम, कोई जल्दीबाजी नहीं। वैसे भी हमारे को पता है कि हम एक होता है पैसे कमाने के लिए, एक होता है शौक, तो हमें शौक है कि मॉडिफाइड करूँ और हमारा थोड़ा नाम चले। यानी बाकी क्या, सोनू भाई से मैंने आओ काम कराओ, मैंने तसल्ली, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मेन मैंने काम अपने हाथ से करते हैं ज्यादातर और उन्होंने बहुत बढ़िया। तो यही तो हम सुनना चाहते हैं कि हम अपने अपना तारीफ खुद करें, ये अच्छा नहीं लगता। सर जैसे आप करोगे तो हमें नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे बात 100-200 रुपए की नहीं होती, बात होती है तसल्ली की, तो यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल गया है। थैंक यू सो मच। तो भाई ये था हमारे जो भैया हमारे जो मॉडिफाइड कराए हैं और इनका एक्सपीरियंस रहा। और ये था जो मैंने अभी मॉडिफाइड किया और कुछ नया चीज़ भी किया है। और आप बाइक अगर आपको और चीज़ नया कराना हो तो आप हमारे शॉप पे आके करा सकते हो। शॉप का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। और प्राइस वगैरह पूछना तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड साथ। बाय बाय।